ओके वेलकम दोस्तों, रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और तुम्हारे हार्ट बीट भी बढ़ गए होंगे, आई नो। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ बातें करने के लिए जुड़ा हूँ। ध्यान से ये 3-4 मिनट का लेक्चर सुन लेना, आई होप कि इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों, करीब करीब 2 महीने पहले जो एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है, उस 2 महीने पहले के काम का आपको रिजल्ट कल या फिर आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है, तो उसके बारे में सोच के खुद नर्वस होने में कोई पॉइंट नहीं बनता। ये पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, मैं हमेशा इस चीज़ को अपोज करता हूँ कि जब आप 2 महीने पहले एग्ज़ाम देने बैठ रहे थे, वो बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था, उस वक्त आप बीमार हो सकते हो, उस वक्त आपके घर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पढ़ाई पर ध्यान ना लगा हो, उस वक्त में भी ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गए कि आप बहुत अच्छे या ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन उसी 15 दिन में बैठ के आपको एग्ज़ाम भी देना था। अगर एक ब्रिलियंट बच्चा इन कारणवश ना पढ़ के कहीं कम रह जाता है और उसके परसेंटेज अगर जैसे कि रिजल्ट में कम आ गए, तो क्या मैं ये समझूं कि वो सच में ब्रिलियंट नहीं है? क्या वो रिजल्ट में आने वाले मार्क्स जो आउट ऑफ 100 आपको दिए जाएंगे, 80, 90, 95, 75, ये वो 3 घंटे का आपका स्किल दिखाता है? दोस्तों, साल भर मेहनत सबने की होगी, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो गए जिन्होंने साल भर जेन्यूनली एफर्ट्स लिए थे, लेकिन उन 3 घंटों में उनको पैनिक हो गए, वो 3 घंटे में वो ब्लैंक हो गए और उन्होंने उनका 100% नहीं दे पाए, राइट? ऐसे भी कुछ बच्चे हो गए लेकिन सच में वो ब्रिलियंट थे, सिर्फ वो 3 घंटों की गलती की वजह से आज के रिजल्ट में, आने वाले रिजल्ट में अगर कुछ परसेंटेज कम हो जाते हैं, तो क्या उसका जिम्मेदार खुद को पकड़ना कितना वैलिड होगा या पकड़ना चाहिए क्या? ये भी एक सवाल है। दोस्तों, हजारों रीजन रहेंगे। मैं आपको वापस एक बार कहना चाहूँगा कि 12th का रिजल्ट या 10th का रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट हो, रिजल्ट जो आपका आ रहा है वो आपका एक्चुअल टैलेंट कभी भी नहीं दिखाता। दोस्तों, वो बुकिश नॉलेज, वो मतलब उतना टाइम को आपको रटा था क्या? मैं अगर आपको आज पूछूं कि आपको वो सारे क्वेश्चन के आंसर लर्न है क्या, तो आपका आंसर रहेगा सर सारे क्या, बहुत कुछ भी याद नहीं रहेगा, राइट? तो क्या मैं ये कहूँ कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, वो जो आपने रिटेन किया, लर्न किया, याद रखा, नेक्स्ट दिन गए लिखा और बाद में भूल गए? तो ऐसे भी अगर कुछ याद नहीं है तो इस रिजल्ट का वेट करके फायदा भी क्या है? दोस्तों, तुम अगर दूसरे लोगों के बारे में सोचने ही वाले हो और दूसरे लोगों के बारे में सोच के खुद को अगर डिप्रेस कर रहे हो, तो कोई पॉइंट नहीं बनता। जो चीज़ 2 महीने पहले हो गई है, जिस हार्डवर्क जो आपने कर दिया था, आप अभी आगे बढ़ चुके हो। बहुत बच्चों ने अपना करियर, किसी को BBA करना है, किसी को CA करना है, कोई CS कर रहा है, कोई अलग अलग सेक्टर में, कोई फैशन डिजाइनिंग कर रहा है, अलग अलग इसमें बच्चे आगे बढ़ चुके हैं। वो शायद ये भी सोच रहे हो कि सर अगर रिजल्ट नहीं रहता ना, उन्होंने डायरेक्ट डिक्लेयर करना चाहिए सिर्फ पास। ये प्रॉब्लम क्यों रहा बताया? कंपैरिजन। सर मेरे दोस्त को ना 95 मिलेंगे और मेरे को 75 मिलेंगे, घर में कंपैरिजन होगा और तब बजेगी, हमको डर नहीं लगता? दोस्तों, अपने घर वालों को भी ये वीडियो दिखाइए। मैं आपको पूछना चाहूँगा आज एक बात कि आप कोई भी 5 ऐसे फेमस लोग, उनके नाम आप इमेजिन कीजिए, कोई भी 5, राइट? सोचो ना, थोड़ा सोचिए। और जो आपने सोचा, अगर मैं सोचूं, चलो अगर मैं बिजनेस वर्ल्ड की बात करूं तो धीरूभाई अंबानी हो गए, राइट? अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, विराट कोहली, सचिन, MS धोनी हो गया। अगर मैं सिंगिंग की बात करूं तो लता मंगेशकर जी हो गए। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो नरेंद्र मोदी हो गए। और ऐसे कोई भी सेक्टर की बात अगर कर लूं, मैं इंडिया के 5 लोग भी ले लूं, तो मुझे बताना वो उनके रिजल्ट की वजह से फेमस है या उनके काम के प्रति, जिस डेडिकेशन से वो काम कर रहे हैं, जिस लगाव से वो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से फेमस है? दोस्तों देखो, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें आपको अपने हार्डवर्क से अर्न करनी है। और आप लोग भले पढ़ाई में पीछे रह जाओगे, लेकिन आपको भी पता है कि आपसे अच्छा, राइट, जो बाकी एक्टिविटीज़ आप अदर देन स्टडी कर रहे हो, उसमें और कोई बंदा नहीं रहेगा जिसे 99% मिलेगा। उसे सिर्फ पढ़ाई आ रही है, लेकिन आप ऑलराउंड और आप सब चीज़ें करने के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको जितने भी परसेंटेज मिले एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। उस पर रोते बैठने में कोई अभी वैलिड रीज़न नहीं है वो, या फिर कोई बोलते हैं एक सेंसिबल पर्सन ऐसा तो नहीं करेगा। कंपैरिजन हो रहा है, अवॉइड कीजिए। देखिए ना कि 10 साल बाद कौन कहां पे रहता है। आज जिसको 99% मिला है वो कहां पे रहेगा, और आप जिनको जो भी परसेंटेज मिले आप कहां पे रहते हो, तो वो 10 इयर्स बाद वाला कैलकुलेशन कीजिए। आज के रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 साल बाद अगर आप सक्सेसफुल रहे, 5 साल बाद अगर आप उससे आगे रहे, तो वो आपके लाइफ का अचीवमेंट रहेगा। डिग्री दिखा के आपको कोई भी पैसा तो नहीं देने वाला, आपके स्किल पे ही आपको पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल या आज रिजल्ट कुछ भी आए आपका, आपको टेंशन नहीं लेना,
है, जो रिजल्ट आए एक्सेप्ट करो, राइट। वो आपने जितना हार्डवर्क किया था, जितना मेहनत किया था, उसके हिसाब से आपको परसेंटेज मिल गए, यस, उससे जिंदगी ना तो रुकेगी और ना तो कुछ आपके जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाएगा। सिंपल है, आगे आपको क्या करना है वो डिसाइड करो। और याद रखना, जो आपने गलतियां की है उससे आपको कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। एक शायरी है बहुत ही अच्छी, राइट, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफ, लेकिन जब इंसान को ठोकर लगती है वही उसे चलना सिखाती है। दोस्तों, तो जैसे आपको कभी ना कभी अगर कल के रिजल्ट से लगता है कि यार हमने और मेहनत करनी चाहिए थी, तो एक ठोकर आपको ऑलरेडी लग गई है, राइट। अब हमें नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी है, ये एक दिमाग में, उससे ये सीखिए कि आपको वो गलती अभी नहीं करनी यार, बहुत हो गया, अब हम मोटिवेट होके आगे नेक्स्ट टारगेट को हिट करेंगे। तो यही मुझे कहना था कि रिजल्ट कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखता, परसेंटेज कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखते, 4-5 दिन का वो एक रहेगा तुम में, लेकिन आप अपने पेरेंट्स देख लो, आपके टीचर्स देख लो, कभी आपने उनसे उनके 12th के मार्क्स नहीं पूछे आज तक, आपसे भी कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए जो 10th हो 12th हो, आपने एक हर्डल अपने ज़िंदगी का, एक अच्छा खासा, एक अच्छे मेमोरीज समझो उसको, आपने बहुत मेमोरीज भी अर्न किए उसे याद करो, राइट, और अपनी जर्नी चलने दो दोस्तों, राइट। आपको इस YouTube चैनल के नीचे अपना नया जो चैनल है मोटिवेशनल सेल्फ डेवलपमेंट, उसका लिंक भी दिया है। अगर आपको मोटिवेशनल लेक्चर देखने हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और रोज नए नए मोटिवेशन देख के अपने लाइफ में कुछ नया गोल सेट कर सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं रुकता हूँ। All the best for your result. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Jai Hind. Jai Bharat.